जीत रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बनाएंगे हम आम फ्लेवर सूजी का हलवा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पहले एक आम लिया है, बड़े साइज़ वाला जूस बनाते हैं वो आम है, तो हम इसे काट लेंगे और इसमें जो भी अंदर का हम गुदा जो निकाल लेंगे इसका, तो चाकू की सहायता से आप आराम से इस तरह निकाल सकते हैं। इस तरह हम सारे आमों का निकाल लेंगे। मैंने एक आम लिया है इस तरह पूरे आम का, और ये मैंने एक मिक्सर जार लिया है तो मैंने इसमें निकाल लिया। अब इसे हम पीस लेंगे जूस की तरह, थोड़ा इसमें बस पानी नहीं डालेंगे, बस इसी तरह। तो हमने पीस कर तैयार कर लिया है। इस तरह हमने एक कटोरी लगभग, और ये आधी कटोरी मैंने सूजी ली है, तो इसका हाफ आम के जूस का हाफ, आधी कटोरी सूजी। तो हम सबसे पहले कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में डाल देंगे हम घी। तो मैंने देसी घी लिया है, तो लगभग मैंने इसमें घी डाल दिया 50 ग्राम के लगभग। और इसमें सूजी डाल देंगे, और सूजी को जब तक सेकेंगे जब तक ये लाल ब्राउन ना हो जाए, एकदम अच्छी तरह हमें सूजी को सेकना है। तो धीरे धीरे आँच पे आपको 10 मिनट के लगभग लग जाएगी सेकने में, 10-15 मिनट बस आपको अच्छी तरह सेकना है। जब ऐसा कलर आ जाए तो आपकी सूजी एकदम पक के तैयार है। अब इसमें हम डाल देंगे पानी, तो मैंने वाटर लिया है, तो आप नॉर्मल ठंडा कोई सा भी ले सकते हैं। और अब इसमें इस तरह चलाते रहेंगे, और मैंने इसमें इलायची पाउडर, काजू और बादाम डाल दिए, आप जो भी है डाल सकते हो आप, पिस्ता वगैरह भी। और इसे हम जब तक चलाएंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो। तो देखिए धीरे धीरे ये गाढ़ा होने लगा है, और अब इसमें डाल देंगे जो हमने आम का जूस बनाया था। तो देखिए अब इसको चलाते रहेंगे इसी तरह, और एकदम ये गाढ़ा हो जाए इसमें डाल देंगे चीनी। तो इसमें हम चीनी डाल दिए, तो आप स्वादानुसार चीनी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें लगभग सूजी ली उतनी ही चीनी डाली है, और ये हमारा बनकर तैयार है आम फ्लेवर सूजी का हलवा। तो हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।